ये नया रिकॉर्ड इन्होंने बना, नया रिकॉर्ड तो इसलिए कर रहा हूँ कि झारखंड में पहले भी काफी कुछ घोटाला होते रहा है, पहले भी घोटाला काफी कुछ होते रहा है, लेकिन उन सारे घोटालों से भी ये आगे निकल गया। और जिस प्रकार से झारखंड में घोटाला में जो दलाल है, बिचौलिया है, इन लोगों से घोटाला करवाना, फिर उससे वो हिस्सा लेना, यानी पैसा कमाना, ये झारखंड में बिल्कुल लगातार चल रहा है। जब से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बने तब से यही काम है। और आप सबको ध्यान में होगा कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है 6 मई 2021 ईडी को एक मनरेगा में कार्रवाई करने के लिए जो उन्होंने आदेश दिया था, वहां से मामला शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद पूजा सिंघल पकड़े गए, उनके लोग पकड़े गए, फिर नोटों का जाखीरा भी पकड़ा गया। ये आप सबके सामने पूरे राज्य की जनता या देश की जनता उन सारे चीजों को देखा है। और ये मनरेगा घोटाला में क्या कहते हैं, ये हाईकोर्ट के आदेश से ये प्रारंभ हुआ और जांच आगे बढ़ी तो रोज नए नए घोटाला के उजागर होते हैं और आज भी होते जा रहा है। और नित नए नए चीज सामने आ रही, आगे ये जांच जैसे जैसे बढ़ेगी अब कितना उजागर होगा घोटाला की, तो ये कहना बहुत मुश्किल। तो मैं कह सकता हूं क्योंकि आज सारे विषय पर तो आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसे जैसे जांच आएगी पता चलेगा तो आप सबको, यानी कैसी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी घोटालों को जैसे जैसे पकड़ रही है और वो राज्य सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं, उसको लिखित में भी अखबारों में छपा है कई दफा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करें, जो लोग घोटाले, लेकिन वो कार्रवाई बिल्कुल करते नहीं। यदि एक प्रकार से पूरा एजेंसी उनको पूरे तथ्यों के साथ सबूतों के साथ भी जब सरकार को देते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करें, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करें बल्कि उल्टे क्या कर रहे हैं, जो दलाल है, बिचौलिया है, जो लोग जेल में बंद है, उन लोगों को बचाने के लिए बाहर से बड़े बड़े महंगे वकीलों को लग करके और घोटाला में पर्दा डालने की वो प्रयास कर रहे हैं। अब मतलब जिस प्रकार से झारखंड सरकार ही कर रहे हैं कि लोगों को बचाने की, उसकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। और अब तक जो घोटाला में पकड़े गए हैं उसमें से जो हिस्सा लेकर या सरकार जैसे कहते हैं घोटाला बाजों को सिर्फ बचा करती रही है, बल्कि वैसे घोटाला बाजों का अनुभव का भी लाभ उनसे लेकर के और बड़े घोटाला कर, अगर आप लोग इसका एक संदर्भ कहूँ, जितना भी जो टेंटेड ऑफिसर्स जैसे अभी कोडरमा में जब डीसी थे तो पेड़ उन्होंने काटा था, तो उसके बाद उनके ऊपर केस था, चार्जशीट वगैरह सब हो गया, लेकिन उनको रांची में इसलिए पदस्थापित किया गया कि वैसा उन्होंने काम करवाया, फर्जी तरीके से जमीन की कागजात बनवाना, फिर फर्जी तरीके से दखल करवाना, यानी जो भी जिस प्रकार से भी काम कर सकते हैं उन्होंने करवा। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार के अवसरों को इन्होंने किया, तो उसमें से कुछ घोटालों की मैं थोड़ी सी
करूंगा कि ये पूरे घोटाला कुंड से जैसे मनरेगा घोटाला है वो 550 जो आया है साहब, उसके अलावा 1500 करोड़ का उद्योगों के लिए कोयला का जो आवंटन हुआ उसमें से घोटाला हुआ है। अब आप लोग हजारीबाग के लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं जो कि आपके के क्षेत्र में इस कोयला में जो अवैध तरीके से आवंटन होता था पदाधिकल से लेकर के बनारस की मंडियों में बिकता था, और जब पकड़ा गया और पकड़ने के बाद यही के पकड़ा है कोई इजहार या क्या ऐसा कुछ करना आप लोग बढ़िया से जानते हैं, और उसके बाद सरकार ने 142 ऐसे फर्जी जो कंपनी थे उसको रद्द। हमारा ये सवाल ये करना है कि अगर आपने रद्द किया वो गड़बड़ था तो फिर आगे आप कार्रवाई करते, लेकिन आगे सरकार ने कार्रवाई नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि भाई वो बचा रहे हैं इस प्रकार की। अगर आपने जाना कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो आप उस पर एफआईआर करते, उन सारे पर आप कार्रवाई करते, लेकिन उस पर सरकार बिल्कुल मौन। तो हमने कहा कि ये जो घोटाला है ये 1500 करोड़ का है, और अवैध खनन में लगभग 3000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। ये अवैध खनन में जो 1500 करोड़ का उसमें भी घोटाला है, और 3000 करोड़ ग्रामीण विकास में आवंटित फंड का दुरुपयोग करने का इसमें घोटाला है। अब इसमें से मैं आप सब लोगों को खाली समझा देता हूँ, थोड़े आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कोई समझा दिया। आपने देखा होगा एक इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई, क्या नाम था उनका? वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी तो हुई थी मनरेगा घोटाला हुआ था खूंटी में उस समय की मामले पर, लेकिन जब आगे बढ़ा मामला और उनकी गिरफ्तारी हुई तो आपको आश्चर्य होगा झारखंड में 600 टेंडर गवर्नमेंट ने उसको क्या कहते हैं रद्द कर दिया। जो टेंडर निकला हुआ था बाकी सब था उसके लिए कुरियर में उसको रद्द। हमारा ये कहना है कि भाई अगर आपने रद्द किया यानी गड़बड़ हुआ तो फिर आपको उस पर जांच करना चाहिए, उस पर एफआईआर करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आपने उस पर कुछ नहीं किया, ये क्या दर्शाता है? ये तो यही है, उसमें तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कई ठेकेदारों को मैं जानता हूँ कि वीरेंद्र राम को कई टिका हुआ तो उसमें से 10 से लेकर के 15% या मैंने 5 से लेकर के 15% तक की जो लेन देन होता है वो उसमें लेन देन कर चुका था। चलो ठीक है, आ करके कई लोग बताते हैं कि साहब ये तो अलग क्या है। तो हमारा कहना है कि सरकार ने इतनी बड़ी टेंडर पूरे प्रदेश रद्द किया, हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है, अगर उनको लगता है गड़बड़ है तो सरकार रद्द करे, लेकिन रद्द करने के बाद सरकार ने उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं, एफआईआर होनी चाहिए था, पूछताछ होनी चाहिए था उन सारे लोगों से उसमें से क्या क्या गड़बड़ी हुई। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला है बने उस टेंडर का, तो आप उसमें से आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी मोटी रकम जिसको कहते हैं फिर उसी प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है वो लेन देन का आप सबको पता ही है, फिर शराब घोटाला है, फिर बालू है, इसमें सब कुछ लूट ही है, और